आज हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से उन कुछ हीरोइनों का नाम देने जा रहे हैं, यानी कि इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जो कि डिवोर्सी हैं। जी हाँ, ये हैं सिंगल और इनका हो चुका है डिवोर्स। और कुछ नाम जान के आप हैरान जरूर होंगे कि भाई इतनी ग्लैमरस, इतनी हॉट, लेकिन फिर भी इनका डिवोर्स हुआ है और उम्र में भी इतना ज्यादा आगे निकल चुकी है। तो आज शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की सबसे ग्लैमरस कही जाने वाली मलाइका अरोड़ा खान से, जिनका तलाक हुआ था साल 2017 में उनके पति अरबाज खान के साथ। ये म्यूचुअल डिवोर्स था, मगर इससे पहले लड़ाइयां जरूर हो रही थी। बता दें आपको कि इनके डिवोर्स के पीछे एक ठोस वजह थी, और वो ये थी कि काफी सालों तक अरबाज खान सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई सलमान खान की छत्रछाया में रह रहे थे और ये बात रास नहीं आ पा रही थी मलाइका अरोड़ा को, और इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता खराब होता चला गया और मलाइका ने तलाक ले लिया। और इनके दो बच्चे हैं, मलाइका के दोनों बच्चों को संभाल रहे हैं उनके पति, उनके पिता अरबाज खान। इसके साथ दूसरे नंबर पर आती हैं जेनिफर विंगेट, जिन्होंने साल 2016 में 2 साल की शादी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इनकी शादी हुई थी करण सिंह ग्रोवर के साथ। ये टीवी इंडस्ट्री का बेहद ही रोमांटिक कपल कहा जाता था। दोनों की लव मैरिज इस तरह से बर्बाद हुई कि हर किसी को हैरान कर गए। बता दें कि इस बीच एक और शॉकिंग न्यूज आई थी, और वो ये थी कि इनके डिवोर्स पेपर वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पर। करिश्मा कपूर ने भी अपने पति से डिवोर्स ले लिया था, और उसके पीछे भी काफी बड़ी वजह थी, और वजह ये है कि उनके पति उनके साथ काफी बुरा बर्ताव रखते थे और उनकी सासू माँ का भी उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं था। अपने दोनों बच्चों के साथ करिश्मा कपूर अकेले ही रहती है। 13 साल के रिश्ते को अमृता सिंह ने खत्म कर दिया था। सैफ अली खान उनके पति थे। सैफ अली खान 13 साल छोटे थे अमृता सिंह से। दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के वक्त बहुत सी परेशानियां हुई, मगर धीरे धीरे ये शादी जब हुई तो बिगड़ने भी लगी और 13 साल बाद ये शादी टूट गई। सुजैन खान जो पत्नी थी ऋतिक रोशन की, ऋतिक रोशन के साथ इनका रिश्ता 14 साल तक चला था। दोनों की लव मैरिज थी। बॉलीवुड का रोमांटिक कपल कहा जाता था, कपल गोल दिया करता था, मगर अचानक ही दोनों के रिश्ते में दीवार आ गई। उसके पीछे की वजह ऋतिक के कुछ अफेयर्स थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन दोनों ने डिवोर्स लिया और अब अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जरूर बिता रहे हैं, मगर अकेले ही। वेल दोस्तों, आपकी इनमें से कौन सी हीरोइन सबसे फेवरेट है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ इस रिपोर्ट को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।